मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं MNS News Live। करतारपुर कॉरिडोर 190 करोड़ से 15 एकड़ में तैयार होगा। टर्मिनल 300 फीट ऊंचे स्मारक पर लहराएगा तिरंगा। भारत सरकार ने शनिवार को करतारपुर कॉरिडोर के लिए आलीशान यात्री टर्मिनल बनाने के लिए मंजूरी दे दी। टर्मिनल गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में बनेगा। 1119 करोड़ रुपए की लागत से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद तक यह कॉरिडोर बनाया जाएगा। पहले चरण में यह 15 एकड़ में बनेगा। इसमें 5000 संगत के रुकने का इंतजाम होगा। 300 फीट ऊंचे स्मारक पर तिरंगा फहराया जाएगा। टर्मिनल में यात्रियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं होगी। इसे दो चरणों में विकसित किया जाएगा। MHA अधिकारी ने कहा कि डिजाइन और गुणवत्ता के मापदंड को गुरु नानक देव के अनुयायियों की आकांक्षाओं और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। नवंबर 2019 में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के पहले इसे कंप्लीट किया जाना है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS India ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।